Hi everyone, कैसे हो सब लोग? I hope all of you are fine. So in this video I'm going to tell you about the characteristics of a topper. Okay, तो मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे टॉपर से बात की है. JEE टॉपर्स हो गए, मैं पिछले 4-5 साल के JEE टॉपर्स से कनेक्टेड हूँ, उनसे बात होती है. इवन अभी भी जो लोग रिसेंटली टॉप किए हैं, ठीक है, इनफैक्ट मेरे हॉस्टल में अभी सब लोग ऑलमोस्ट 50 वगैरह में रैंक लेके आए हुए हैं, मेरे आसपास जो भी रहते हैं. एंड और भी एग्ज़ाम्स हो गए, IAS हो गया आपका, या आपका नीट हो गया. जैसे कल परसों में नीट में AR2 से बात कर रहा था ऑन इंस्टाग्राम. सो पॉइंट इज कि मैंने काफ़ी सारे टॉपर्स को ऑब्जर्व किया है वो किस तरह से काम करते हैं. एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू टेल यू अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टॉपर्स सो दैट यू कैन आइडेंटिफाई कि आप में कैरेक्टरिस्ट है या नहीं, एंड अगर नहीं है तो आप किस तरह से उनको डेवलप कर सकते हो सो दैट यू कैन हैव दैट काइंड ऑफ अ टॉपर माइंडसेट विच इज़ नीडेड टू टॉप एनी एग्जाम. ओके, एंड आई एम नॉट जस्ट टॉकिंग ऑफ JEE, बट अगर आपका भी JEE 2020 या JEE 2021 आने वाला है, या इवन आगे भी जो छोटे बच्चे हैं, नीट आने वाला है या कोई भी एग्जाम है, आई थिंक यू विल फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल. ओके, एट द एंड ऑफ द वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू समथिंग अबाउट अकैड बूस्ट का जो 11th वाला कोर्स आने वाला है, उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन होगा, बट एट द एंड. ओके, सो या सो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं पहले कैरेक्टरिस्टिक्स की जो मैंने देखा है काफ़ी सारे टॉपर्स में. काफ़ी सारे मतलब ये जो 5-6 पॉइंट्स बताऊंगा ये सब में कॉमन होते हैं. तो सबसे पहली चीज़ होती है कंसिस्टेंसी. ओके, और ये नो ब्रेनर है एक तरह से, बट हियर मी आउट. मतलब तुम्हें से बहुत लोग इस तरह सोचते हैं कि जो टॉपर्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग होते हैं या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं. ये सब होता है मोस्टली ट्रू, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैंने नोट की है ना, वन थिंग विच इज़ कॉमन अमंग एवरीवन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, वो ये कि कंसिस्टेंट बहुत ज़्यादा होता है. ठीक है, तो एटलीस्ट मैं अपनी बात बताऊँ तो मैं कभी ऐसा नहीं करता था कि बहुत ज़्यादा मतलब मैं पढ़ता था, बट ऐसा भी नहीं कि एकदम आसमान फाड़ के पढ़ रहे हैं कि कुछ और है ही नहीं लाइफ में. ठीक है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, बट मैंने बात नोट की कि जो सच में AIR 1 लेके आते हैं ना, AIR 1, AIR 2, इस तरह की रैंक जो सच में लेके आते हैं, वो लोग ऐसा नहीं होता कि पूरा एकदम पढ़ ही रहे होते हैं, वो हर चीज़ करते हैं. ठीक है, इवन आप कभी मेरा सोशल मीडिया भी जो लोग फॉलो करते हैं इंस्टाग्राम वगैरह, काफ़ी सारी चीज़ें डालता हूँ, न्यूज़ भी डालता हूँ मैं, टाइम पास चीज़ें भी डालता हूँ, बहुत सारी चीज़ें करता हूँ मैं. तो ऐसा नहीं होता है कि केवल पढ़ाई में होते हैं. ठीक है, और हार्डवर्क की बात करो तो एक सर्टेन हार्डवर्क सबका होता है. ठीक है, वो करते हैं सब लोग. ठीक है, मतलब ऐसा कोई नहीं होता कि पूरे टाइम मज़े किए जा रहे हो टॉप कर ले, ऐसा कोई नहीं होता है. वो कभी कभी लोग ऐसा बोलते हैं, बट ऐसा होता नहीं है. इंटेलिजेंस की बात करें तो हाँ, टॉपर यूजली इंटेलिजेंट होते हैं. अब वो वेरी करता है, कभी कभी कोई लोग ज़्यादा हार्डवर्क के बेस पे टॉप करते हैं, कोई लोग ज़्यादा इंटेलिजेंस के बेस पे करते हैं, बट मोर लेस एवरीवन इज इंटेलिजेंट. लेकिन जो सबसे स्टैंड आउट वाली चीज़ है ना, जो सबसे ज़्यादा डिफ्रेंशिएट करती है कौन AIR 1 लाएगा और कौन 10 या 100 पे रह जाएगा, वो उनकी कंसिस्टेंसी होती है मेरे हिसाब से. क्योंकि मैंने नोट किया है कि इवन कभी आप शादी पार्टी वगैरह भी हो गई ना, तब भी वो कुछ ना कुछ जरूर प्रोडक्टिव करेंगे उस दिन. मतलब इवन मैंने नोट किया है कभी मेरा चिल आउट डे होता है ना, कि मैं कभी बाहर जा रहा हूँ या, और ये चीज़ मैं अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे इवन IIT में काफ़ी स्टूडेंट्स को देखा इस तरह से कि कुछ भी अगर कुछ प्रॉब्लम भी, मतलब कुछ टाइम पास वाला दिन भी है ना कि आज कुछ नहीं कर रहे, तो भी वो कुछ ना कुछ पढ़ेंगे उस दिन. ठीक है, मतलब इस तरह की कंसिस्टेंसी होती है कि थोड़ा सा ही किया लेकिन रोज़ कुछ ना कुछ किया है. ओके, ये चीज़ मैंने बहुत कॉमन देखी है. तो इसके और इससे मुझे एक सेकेंड पॉइंट भी मिलता है, वो ये है कि वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं. ओके, और यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी होगी लॉन्ग टर्म गेम वर्सेज शॉर्ट टर्म गेम की. तो एक चीज़ आप नोट करोगे ना कि कुछ लोग होते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म में टॉपर्स बनते हैं. मतलब कि 10th में टॉप कर लिया, फिर 11th में फुस हो गए, या 11th में अच्छा कर लिया, 12th में फुस हो गए, या कॉलेज में नहीं चल रहे, या कॉलेज में उन्होंने कुछ अलग नहीं किया. ये बहुत लोगों पे मैंने देखा है, या आपने भी देखा होगा कि कोई बच्चे बचपन में ख़तरनाक थे, फिर फ्यूचर में आके इतना अच्छा नहीं कर पाते हैं. तो ये भी बहुत कॉमन ऑब्जर्वेशन रहती है. तो यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म गेम की बात करनी होती है कि आप 10 साल तक क्या अपने आप को टॉप ऑफ द गेम रख सकते हो. ठीक है, जैसे तो और मैंने ये बात नोट की है कि आप जिन भी AIR 1 या इस तरह के लोगों को देखते हो ना किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं होता है कि वो केवल एक बार AIR 1 है, उससे पहले भी उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत तगड़ा रहा होता है. ठीक है, आप किस भी लोगों की बात कर लो. ठीक है, मतलब यहाँ पे भी जैसे IIT में जो भी स्टूडेंट्स हमारे पढ़ रहे हैं ना, फ्रेंड्स वगैरह, सब लोग NTSC कुछ ना कुछ, मतलब कुछ ना कुछ बड़ा अचीवमेंट रहा है उन लोगों का. मैंने खुद पर्सनली NTSC और ओलंपियाड्स वगैरह में मैंने किया था, NTSC में मेरा रैंक 1 था जैसे. तो बचपन से उनका ट्रैक रिकॉर्ड रहता है, मतलब लॉन्ग टर्म की वाली बात होती है. ठीक है, और अगर आपको लॉन्ग टर्म में टॉपर रहना है ना, तो उसके लिए क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. मतलब ऐसा नहीं हो सकता है कि आप ज़बरदस्ती आप लोगों को फोर्स करके पढ़ा लो. फोर्स करके आप 1 साल पढ़ सकते हो, 2 साल पढ़ सकते हो. इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे बच्चे जो इतने इंटेलिजेंट नहीं भी होते हैं या इतने हार्डवर्किंग नहीं भी, तो JEE निकाल लेते हैं, क्योंकि उन्होंने बस 2 साल अपने को फोर्स करके पढ़ लिया, लेकिन फिर कॉलेज में उनका कहीं ना कहीं गिवअप हो जाता है. बट anyway, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी, उसके ऊपर वीडियो कभी बनेगी. बट अगर आपको इस तरह से लॉन्ग टर्म के लिए, तो क्यूरियोसिटी बहुत ज़रूरी है. अब वो अंदर से डेवलप नहीं हो सकती है. ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता है कि मैं तुम्हें कुछ ट्रिक दे दूँ उससे तुम क्यूरियस हो जाओगे, ऐसा नहीं होने वाला है.
क्यूरियोसिटी अगर तुम्हारे अंदर है तभी तुम एक लॉन्ग टर्म टॉपर बन सकते हो. ओके अगर तुम क्यूरियोसिटी नहीं है तो देन प्रोबेबली यू आर मेड फॉर समथिंग एल्स. जरूरी नहीं कि सब लोग एकेडमिक्स में अच्छा करे, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा हो सकता है, कोई म्यूजिक में अच्छा हो सकता है, सबका अपना अपना होता है ना. तो अगर तुम्हें वो क्यूरियोसिटी है मतलब तुम्हें चीज़ों को देख के वंडर होता है कि यार कभी कभी ऐसा कुछ सोचते हो कि यार स्पेस में स्टार्स दिख रहे हैं, कहाँ से हैं, इतना दूर कैसे लाइट ट्रैवल हो रही है, मैटर कैसे बना हुआ है, ये वीडियो कैसे रिकॉर्ड हो रही है, या किसी भी चीज़ की, या हमारी बॉडी कैसे काम करती है, मतलब इस तरह की चीज़ें अगर तुम सोचते हो ना बहुत ज़्यादा बचपन से, जो मैंने काफ़ी लोगों में एटलीस्ट मैं तो करता था, तो इवन आज भी, तो काफ़ी चांसेस है कि यू आर समवन हु इज़ अ टॉपर, यू हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ टॉपर. ओके इसके अलावा तीसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो ये है कि बियॉन्ड द सिलेबस जाना, या बियॉन्ड मतलब कुछ स्पेशल करना बेसिकली. मतलब मैंने देखा कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि काम हो गया, एक बार होमवर्क हो गया या वॉट एवर होमवर्क, या आप जो भी करते हो, इफ़ यू आर इन कॉलेज तो असाइनमेंट हो गया, कुछ हो गया, तो बस ठीक है रहने दो. ठीक है एक होते इस तरह के लोग, तो ये लोग मैंने देखा है कि अच्छा कर लेंगे बट बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म में टॉपिंग या बहुत खतरनाक परफॉर्मेंस इनकी नहीं रहने वाली. क्यों? क्योंकि एक चीज़ मैं देखता हूँ कि आपको जब रैंक वन वगैरह की बात होती है ना तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी सॉल्व करने होते हैं जो बियॉन्ड आते हैं. ठीक है वो केवल वही लोग कर सकते हैं जो उस तरह की चीज़ें पढ़ते हैं. एक तो ये एक्सप्लेनेशन है. एंड आई एम जस्ट नॉट टॉकिंग ऑफ टॉपिंग इन एग्जाम्स, यहाँ पे मैं टॉपिंग इन लाइफ. आप किसी भी चीज़ में, आपको अपना कंपनी स्टार्ट करना है, उसको आगे ले जाना है, या आपको एग्जामिनेशन में टॉप करना है, या इनफैक्ट एक हैप्पी लाइफ जीनी है, तो आई थिंक कि बियॉन्ड एक एक्स्ट्रा एफर्ट करना बहुत ज़रूरी हो जाता है. मतलब एक्स्ट्रा एफर्ट आप नहीं लगा रहे हो ना अगर किसी चीज़ में कि यार मैंने चलो ये काम कर लिया जो दिया हुआ था, अब मुझे और पढ़ना है, मुझे और जानना है अपने खुद के लिए, ऐसा नहीं कि किसी को इम्प्रेस करने के लिए, खुद के लिए मुझे और जानना है. ठीक है जैसे मैं जब 11th 12th में जैसे फिजिक्स वगैरह पढ़ता था तो चलो ठीक है, मतलब मैंने जैसे एक तो सिलेबस की चीज़ पढ़ ली, अब मुझे जैसे रश्मि खैलेडे मैंने बुक उठा रखी थी तो उसमें मुझे रिलेटिविटी का चैप्टर दिखा तो लगा यार ये तो अच्छा है पढ़ लेते हैं, और उसी में जेई मेन 2017 में क्वेश्चन आया. अब वो क्वेश्चन अगर मैं नहीं कर पाता तो मेरे 360 नहीं आते और आप लोग शायद मेरा चैनल देख भी नहीं रहे होते. ओके तो वही है, अगर मैं बियॉन्ड गया इसीलिए मेरा वो रैंक आया, समझ रहे हो. तो ये चीज़ मैंने एक नोट की है कि वो लोग बियॉन्ड द सिलेबस या उनकी एक अलग से क्यूरियोसिटी और रहती है कि यार हमें और कुछ करना है. तो अगर आप एक सच्चा टॉपर बनना चाहते हो देन यू शुड ट्राई टू गो बियॉन्ड द सिलेबस. ठीक है अपना जो कम्फर्ट जोन से बाहर निकलने का ट्राई करो. ठीक है इसके अलावा मैंने एक और चीज़ नोट की है कि वो पूरे टाइम मस्ती, पूरे टाइम पढ़ाई नहीं करते हैं. ठीक है ये बात मैंने बहुत ज़्यादा देखी. मतलब आप हर साल देखना, हर साल ऐसा होता है हर कोचिंग में एक बच्चा आपको ऐसा दिखेगा ही दिखेगा जो पूरे टाइम पढ़ता रहता है. पूरे टाइम उसके जीवन में कोई लाइफ नहीं, उसके कोई दोस्त नहीं है, उसका कोई पैशन नहीं है, वो कुछ भी नहीं करता है, गाना डांस म्यूज़िक वीडियोज़ कुछ भी नहीं देखता है, कुछ भी उसकी लाइफ में नहीं, एकदम बोरिंग सा बंदा है, किसी से बात नहीं करता, एकदम पढ़ता रहता है. ये बच्चे जो होते हैं ना ये टेस्ट वगैरह में बहुत अच्छा करते हैं लेकिन ये फाइनल एग्जाम अच्छा नहीं करके आएंगे पहली बात, और इनफैक्ट भी इनकी लाइफ काफ़ी अनहैप्पी रहती है. क्यों रहती है? क्योंकि देखो फाइनली आपको आपकी जो फाइनल एग्ज़ाम होता है ना उसमें क्या है कि आपको चिल रह के एग्ज़ाम देना होता है. ठीक है तो अगर आप इतनी रिगरस ट्रेनिंग कर रहे हो तो प्रेशर बिल्ड हो जाता है दिमाग में एक, और फाइनली आप इतना अच्छा प्रोबेबली नहीं करके आओगे. एंड इसके अलावा भी अगर आप देखो ना तो लाइफ इज़ नॉट जस्ट अबाउट मार्क्स, लाइफ इज़ मोस्टली आपको अगर अपने करियर में प्रोग्रेस करना है तो पीपल के थ्रू आप ज़्यादा प्रोग्रेस करते हो. ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल मैं जब यहाँ पे फॉर एग्जांपल इवन IIT में भी देखो तो अगर मैं मार्क्स वगैरह के बेसिस पे अगर चलता सिर्फ, ठीक है मतलब मैं यहाँ पे मैं डिग्री भी कर रहा हूँ अपनी तो वो भी रहता है, मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ कि वो चीज़ नहीं करनी चाहिए, बट अगर मैं केवल उसी चीज़ पे फोकस करता तो अभी मैं प्रोबेबली एक अच्छी कंपनी के अंदर इंटर्नशिप कर रहा था जो मैं अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन अब मैंने अपना एक नया करियर बना लिया. ठीक है नाउ आई एम वर्किंग एज एन एंटरप्रेन्योर. ठीक है तो मैंने अपना कंपनी जो कैटबुक खोल रखा है वो कहीं ना कहीं रिलेवेंट टू दिस चैनल ऑडियंस है, तो वो मेरे पास कहाँ से आया? बिकॉज आई लर्न हाउ टू इंटरेक्ट विद पीपल, लोगों की मदद कैसे करना है, यूट्यूब पे किस तरह से लोगों को गाइडेंस करना है, ब्लॉग्स कोरा ये सब चीज़ें पीपल स्किल्स थी. इसमें किसी तरह से देखो मार्क्स की वजह से आप लोग आए हो बिल्कुल सही बात है, लेकिन अगर केवल ये बात होती कि कल्पित एकदम बेकार सी एडवाइस देता है, उसका कोई स्पीकिंग स्किल्स नहीं है, तो आप शायद अनसब्सक्राइब कर देते चैनल को, राइट? तो आप फाइनली आगे जब बढ़ते हो ना वो पीपल की वजह से बढ़ते हो, लोगों की वजह से बढ़ते हो. आप केवल अपने नंबर या केवल अपनी सैलरी या केवल अपने अचीवमेंट्स के बेस पे कभी आगे नहीं बढ़ सकते बहुत ज़्यादा. ठीक है तो ये लोग इन जनरल लाइफ में इतना अच्छा नहीं कर पाते, लेकिन जो लॉन्ग टर्म में आगे टॉप ऑफ द गेम रहता है ना बंदा, वो हमेशा देखना कि पूरे टाइम ऐसा नहीं वो पढ़ाई करेगा, ऐसी बात नहीं कि पढ़ाई नहीं करेगा, बट वो बिल्कुल ऐसा भी नहीं कि वो पढ़ाई मोड में, मस्ती भी करेगा, कभी गेम्स भी खेलेगा. मैं खुद भी ऑलमोस्ट डेली क्रिकेट खेला करता था, म्यूज़िक में मुझे काफ़ी इंटरेस्ट था, इवन लास्ट का जब टाइम चल रहा था ना जेई से पहले उस समय काफ़ी सारी मूवीज़ वगैरह देखी थी, मतलब बहुत टाइम पास किया था. ऐसी चीज़ें भी तुम्हें यूट्यूब पर नहीं बता, मतलब अच्छी अच्छी काफ़ी मतलब बहुत अजीब वगरीब चीज़ें भी होती रहती थी. तो ये चीज़ मैंने बहुत लोगों में देखी है. ठीक है ये मेरे को एक भी सिंगल टॉपर याद नहीं है
मैं भी रिकॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ 4-5 पिछले और अगले एयर वंस डिफरेंट एग्जाम्स के, सब लोग का कुछ ना कुछ हॉबी था, कुछ ना कुछ पैशन था, सब लोगों ने लाइफ में कुछ ना कुछ तो अजीबोगरीब हरकत की हुई, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो क्लीन लोग होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये थी एक बात। इसके अलावा एक दो और बातें हैं जो मुझे लगता है कि डिफ्रेंशिएट करती है। एक है कि वो अपने मार्क्स के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं सोचते हैं, ठीक है, और इसके अलावा एट द सेम टाइम दे आर ऑल्सो वेरी पैशनेट अबाउट गेटिंग दैट रैंक। अब ये थोड़ा ऐसा लगेगा कि ये क्या बोल दिया, एम्बिगुअसी बात की दोनों चीज़ें बोल दी, तो मैं समझाता हूँ। तो डीप इनसाइड उनके अंदर ये एक फायर होती है कि यार मेरे को तो रैंक वन ही चाहिए, ठीक है। जैसे मैं जब पढ़ता था ना, मैं ये नहीं सोचता था कि मेरे को IIT बॉम्बे में CS मिल जाए या मेरे को XYZ मिल जाए, ऐसा नहीं। मेरे को था यार कि यार इन लोगों का अखबार में नाम आता है, मेरे को भी चाहिए, मेरे था ये, मतलब फिक्स है कि मेरे को ये नहीं मिला तो बाढ़ में जाके सब, ठीक है। तो वो एक बर्निंग डिज़ायर जब तक नहीं होगा ना, तब तक वो चीज़ अचीव नहीं होती है, ठीक है। मतलब वो एक अंदर से होना चाहिए यार कि मेरे को रैंक वन चाहिए। तो वो मैंने सारे लोगों का देखा है कि उनके अंदर से होता है कि मुझे तो यार टॉप रैंक ही चाहिए, इससे नीचे मैं सेटल हो ही नहीं सकता, ये उनके अंदर रहता है। बट एट द सेम टाइम वो उसको अपने ऊपर ग्रो नहीं होने देते, मतलब ऐसा नहीं कि उसके ऊपर ऑब्सेस हो जाते। कुछ लोग होते हैं ना, जैसे मुझे काफ़ी लोग DMs वगैरह भी इस तरह करते रहते हैं कि मेरे को तो ये रैंक चाहिए ही चाहिए, ये मतलब डेली बेसिस पे करते हैं कि यार जैसे अभी तो JEE चल रहा है तो बहुत सारे लोग भेज रहे हैं इस तरह की बातें कि यार मैं ना मेरा इतना परसेंटाइल आया तो मैं अब IIT बॉम्बे में CS कैसे ले लूँ, मैं IIT दिल्ली में मैकेनिकल कैसे, इस तरह की मेरे को रोज़ डेली बेसिस पे मैसेज आ रहे हैं अभी इंस्टा पे। आप भी भेज सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह दिए हुए, आप देख सकते हो, चेक डिस्क्रिप्शन। तो स्टडी मटेरियल भी वगैरह भी है। तो ये चीज़ एक ऑब्सेशन होता है, वो गलत है, ठीक है। मतलब ऑब्सेस नहीं होना उस चीज़ को लेके, मतलब आपके दिमाग में गोल होना चाहिए डीप इनसाइड, बट उसको ऐसे चल चल के बढ़ाना कि AR1 लिख रहे हैं, पोस्टर लगा रहे हैं, वो सब कोई नहीं करता है टॉपर्स में, ठीक है। वो ऐसी सहज जाके एग्ज़ाम दे के आते हैं सिंपल वे में और टॉप मार के आ जाते हैं, ठीक है। मतलब नो एफ्स गिवन टाइप की रहता है उनका एटीट्यूड। तो ये एक चीज़ मैंने ऑब्जर्व की है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो वो बहुत ऑनेस्ट लोग होते हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ मैंने देखी कि बहुत सारे लोग इस तरह के होते हैं ना कि मतलब आर्टिफिशियली फेक बनते हैं कि यार मैंने तो ब्रो कुछ भी नहीं पढ़ा आज, यार मैं तो डूब जाऊंगा, या इस तरह का मतलब फेक बनते हैं ना कुछ लोग ज़बरदस्ती कि यार मैं तो कुछ किया ही नहीं, और फिर पढ़ के आ जाते हैं। ये लोग कभी भी टॉप नहीं करते हैं। मैं एक भी ऐसे टॉपर को नहीं जानता हूँ, एक भी ऐसे रैंक वन को नहीं जानता हूँ, रैंक वन छोड़ो रैंक 10 में किसी को नहीं जानता हूँ जो इस तक एटीट्यूड रख के आगे बढ़ गया। सब लोग मतलब काफ़ी हम्बल लोग देखे मैं, जितने भी लोग होते हैं काफ़ी हेल्पफुल एटीट्यूड होता है, कोई डाउट वगैरह पूछो तो बता भी देते हैं, मतलब ऐसा टाइम पास नहीं करते हैं जो जैसा आपके कॉलेज में सांप जिनको कहते हैं ना, सांप स्नेक्स वाले स्टूडेंट्स, उस तरह की हरकतें नहीं रहती बिल्कुल भी। एंड एट द सेम टाइम मैंने ये भी देखा है कि वो इस तरह से ब्रैग भी बहुत ज़्यादा उनको पसंद नहीं, मतलब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग, आई डोंट नो सबके साथ होता है नहीं, कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो टॉपर्स से जस्ट इसलिए बात करते हैं कि यार उनसे कुछ सीख ले वगैरह, तो उनको से इसे फ़र्क नहीं पड़ता है। मतलब वो बहुत ज़्यादा ऐसे नहीं हो जाते हैं कि भाई इसने तो मेरी तारीफ़ कर ली, या मतलब दे डोंट गिव टू मच क्रैप्स अबाउट कि वो क्या है या उनकी रैंक्स क्या चल रही है वगैरह वगैरह। सो या तो ये मैंने आपको कुछ बातें बताई थी, आप इन चीज़ों को ऑब्जर्व करो, देखो आपके अंदर है या नहीं। अगर आपके अंदर इनमें से मैं कहूँगा 60-70% कैरेक्टरिस्टिक्स अगर है ना, मतलब मैंने जो 7-8 पॉइंट्स बोले उनमें से 4-5 भी अगर अप्लाई हो रहे हैं, देन काफ़ी चांस है कि आप अच्छा कर सकते हैं अपने करियर में। अगर नहीं है तो इनमें से ज़्यादा चीज़ें डेवलप की जा सकती हैं। तो स्पेशली जो छोटे बच्चे देख रहे हैं ना, यू कैन प्रॉब्ली इनकल्केट दिस इन यू, एंड दीज आर हैबिट्स जो मैंने केवल टॉपर्स में ही नहीं देखी, मैंने देखा है कि ये जो भी इन जनरल सक्सेसफुल होते हैं ना, मैं एग्जाम्स की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट टॉपिंग इन योर लाइफ इन जनरल, ओके। सो ये था। इवन मैं कहूँगा कि जो 2020 एस्पिरेंट्स है ना, तुम भी इस चीज़ को देख के इंस्पायर हो सकते हो। क्यों? क्योंकि एक हैबिट फॉर्म करने में 21 डेज चाहिए होते हैं, और तुम्हारे पास अभी उससे काफ़ी ज़्यादा बचे हुए हैं। और उसी को लेके एक बात और, जैसा मैं हर बार, इस बार मैं लास्ट में डाली है ये चीज़ ताकि लोग जो नहीं इंटरेस्टेड है वो नहीं, तो अगर आपने अभी तक अकेडबूस्ट का एडवांटेज नहीं लिया है, अभी भी ले सकते हो, हमने वारंटी एक्सटेंड कर लिया है। जिन लोगों को नहीं पता है, अकेडबूस्ट मेरा एक स्टार्टअप है जहाँ पे हम JEE से रिलेटेड एजुकेशनल कंटेंट डालते हैं। तो अभी हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया JEE 2020 के लिए, तो उस क्रैश कोर्स में 25 से 30 घंटे के अंदर आपका पूरा JEE सिलेबस रिवाइज करवाया गया इन टर्म्स ऑफ क्वेश्चंस। तो उसमें लगभग 150-300 क्वेश्चंस है डिपेंडिंग ऑन विच कोर्स यू टेक। उसमें हमने साइड क्वेश्चंस की वेरिएशंस क्या क्या हो सकते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरी पॉइंट्स क्या क्या याद रखना है, क्या क्या नहीं याद रखना है, टिप्स फॉर डूइंग बेटर एग्जाम्स, किस तरह से आप फास्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो, किस तरह से आप अपनी थिंकिंग को डेवलप कर सकते हो, टॉपर्स की तरह माइंडसेट और टॉपर्स की तरह एग्जाम देके कैसे आ सकते हो, ये सब चीज़ें मैं डिस्कस की, फास्टर कैलकुलेशंस वगैरह, ठीक है।
काफ़ी एडवांटेज होगा। बच्चों के मार्क्स 30, 40, 50 तक बढ़ गए इस कोर्स को लेने के बाद जनवरी अटेम्प्ट में, अभी भी लेट नहीं है, 25 टू 30 आवर्स ही लगते हैं। आप इसको लेके अपना एडवांटेज कर सकते हो और एग्जाम फोड़ सकते हो, ठीक है। अब तो हमने वैलिडिटी इसकी 30 जून तक कर दी है, तो अगर आप अभी लेते हो या कभी भी लेते हो, 30 आवर्स का कोर्स ही है, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप पढ़ नहीं सकते अभी, बहुत टाइम है अभी, ठीक है। और अगर एक एक घंटा भी रोज पढ़ोगे तब भी तुम्हारा अपलेट अटेम्प्ट तक हो जाएगा, ओके। और उसके बाद तुम्हारे बिट्स है या MHCET या कोई भी स्टेट एंट्रेंस एग्जाम है उनके लिए भी वो काम आएगा, इसीलिए हमने उसकी वैलिडिटी अब जून एंड तक कर दी, क्योंकि तब तक भी कुछ एग्जाम्स हो रखे होते हैं, ठीक है, मतलब तो उसके लिए। तो अभी भी एडवांटेज है, लिंक दिया डिस्क्रिप्शन में, सैम्पल वीडियोस भी हैं, ठीक है, कोर्स का कंटेंट भी देख सकते हो, प्रीव्यू कोर्सेज भी देख सकते हो, बच्चों के रिव्यूज़ भी डाल रखे हैं, कमेंट्स में जाके भी देख लो, बच्चे बोल रहे हैं उनको बहुत हेल्प मिली है, तो तुम अभी ले सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी टाइम है पढ़ने का, बाद में टाइम रहेगा कम, तो अभी लोगे तो ज़्यादा एडवांटेज है। और इवन बोर्ड शुरू होंगे उससे पहले भी तुम कंप्लीट कर सकते हो, उसके बीच में या बाद में जैसे भी तुम्हें लगता है, क्योंकि तुम कितनी बार देख सकते हो, अवेलेबल रहेगा। सो दिस वाज वन पॉइंट। अब जो लोग 2021 एस्पिरेंट्स हैं ना, तुम लोग के लिए कोर्स आने वाला है, ठीक है, हमारा ऑलमोस्ट बन गया, और अभी टेंटेटिव डेट मार्च 1 है। मुझे पता है मैंने बीच में बहुत सारे टेंटेटिव डेट्स दिए, लेकिन अभी कोर्स की एडिटिंग वगैरह चल रही थी, बट अब मोर ऑर लेस फाइनलाइज्ड है, मतलब 1 मार्च या पहले वीक में तो आ ही जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका कुछ फाइनलाइजेशन चल रहा है, प्राइसिंग वगैरह मैं बता दूंगा, बट उसमें मोस्टली सब्सक्रिप्शन टाइप प्राइसिंग रहेगी, मतलब 1 महीने या 3 महीने से शायद हम शुरू करेंगे, फिर तुम 6 मंथ्स या 1 ईयर तक का खरीद सकते हो, डिपेंडिंग ऑन तुम्हें कितना चाहिए, ओके। तो वो सब चीज़ों पे भी थोड़ा सा फाइन ट्यूनिंग चल रहा है, मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसके बारे में, सैम्पल वीडियोज़ आ जाएंगी, चिंता मत करना। सो अभी के लिए अगर तुम्हें उसके लिए प्री रजिस्टर करना है, प्री रजिस्टर करोगे तो मैं पहले हम एक्सेस दे देंगे कोर्स का, डिस्क्रिप्शन में जाके एक फॉर्म है भर सकते हो। 2020 एस्पिरेंट्स तुम्हारे लिए कोर्स का लिंक वगैरह सब कुछ दिया हुआ है, सोशल हैंडल्स वगैरह सब है, चेक कर लो, जो भी तुम्हें करना है कर लो, जो भी होता है लाइक शेयर सब्सक्राइब ब्ला 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 यूट्यूब लोगों का कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप दिस हेल्प्ड, बाय।